मेरे साथ बातचीत के लिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से नवनिर्वाचित सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। सर, दिल्ली में जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हिमाचल से पानी छोड़ने का, इस चीज़ को आप कैसे देखें? देखिए, ये नालायकी भ्रष्टाचारी सरकार की है। अरविंद केजरीवाल जो है शराब के नशे में मस्त होकर बैठ गया। वो कहता है कि पानी हरियाणा से पानी आ रहा था, हाईकोर्ट गए थे, केवल हाईकोर्ट ने हरियाणा के लिए ये कहा है कि आप पानी का फ्लो, पानी रुके नहीं, आप छोड़ तो रहे हैं, और यहाँ तक आएगा कैसे पानी? आ रहा है पानी लेकिन नालों में बह रहा है। वजीराबाद का जो ट्रीटमेंट प्लांट है 94% घात है 2013 से, उसको निकाला नहीं गया। उस ठेकेदार से करोड़ों रुपए की मांग कर रहे हैं और वो पैसा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हाईकोर्ट से फैसला लेकर आया है कि उसके अपने पैसों की दलाली के चक्कर के अंदर दिल्ली की जनता को इन्होंने बर्बाद कर दिया। उसमें 250 MGD पानी आ सकता है उसके अंदर, और उसमें केवल 50 MGD पानी आता है। 200 MGD पानी से एक तिहाई जनता को पानी दिया जा सकता है, इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। सर, अभी मानसून आने वाला है, अभी पानी की दिक्कत है, बाद में बाढ़ की वजह से दिक्कत होगी, अभी नालों की सफाई नहीं हुई, क्या कहना है? उसके बाद वो कह देंगे जी भगवान ने बहुत ज़्यादा बारिश कर दी है, भगवान हमारे खिलाफ है, बारिश को दोष देंगे। उसमें भी अगर बीजेपी को दोष देंगे तो लोग हंसेंगे, फिर कह देंगे जी मानसून ज़्यादा आ गया, मानसून हमारे खिलाफ है। अभी बाढ़ जब पानी आएगा बरसात का, गाद भरी पड़ी है, दिल्ली फिर डूबेगी। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा इस सेट के, जहाँ से आपने चुनाव जीता है वहाँ पर आपके जो प्रतिद्वंदी थे उदित राज, उनका कहना है कि बीजेपी ने चुनावों में धांधली करी है, जो रिजल्ट आए हैं वो निष्पक्ष आए हैं पूरी तरह। देखो, सारे दिन काउंटिंग में बैठे थे, सह परिवार बैठे हुए थे, हाथ मिला कर गए हैं, धन्यवाद कर गए हैं DM का, और पूछ रहे हैं कि मुझे वोट नहीं मिले, तो जाकर पूछें राहुल गांधी जी से कि कांग्रेस का वोट कहाँ गया, पूछे जाकर अरविंद केजरीवाल से कि तुम्हारे आदमी कहाँ गए, गठबंधन उनका था हमारा थोड़ी था, दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है, रिकॉर्ड मार्जिन से मैं जीता हूँ। उनको दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस पार्टी में उनकी बेइज्जती हो रही है कि भाई सब लोग जो कोई 60,000 से, कोई 70,000 से, अरे तुम 2,90,000 से कैसे हारे, इसलिए वो धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अपना समय देने के लिए, तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से नवनिर्वाचित सांसद योगेंद्र चंदोलिया से। फिलहाल के लिए इतना ही, दिल्ली से विशाल। प्लीज फॉलो अस ऑन आवर सोशल पेजेस एंड स्टे अपडेटेड विद योर डेली न्यूज़।